मेरे प्यारे देशवासियों, इतने बड़े खेलो इंडिया गेम्स का सफल आयोजन करने वाले असम में एक और बड़ा काम हुआ है। आपने भी न्यूज में देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले असम में 8 अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप के 644 लोगों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। जो पहले हिंसा के रास्ते पर चले गए थे, उन्होंने अपना विश्वास शांति में जताया और देश के विकास में भागीदार बनने का निर्णय लिया है, मुख्य धारा में वापिस आए हैं। पिछले वर्ष त्रिपुरा में भी 80 से अधिक लोग हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौट आए हैं, जिन्होंने ये सोचकर हथियार उठा लिए थे कि हिंसा से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। उनका यह विश्वास दृढ़ हुआ है कि शांति और एकजुटता ही किसी भी विवाद को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है। देशवासियों को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बहुत एक मात्रा में कम हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इस क्षेत्र से जुड़े हरेक मुद्दे को शांति के साथ ईमानदारी से चर्चा करके सुलझाया जा रहा है। देश के किसी भी कोने में अब भी हिंसा और हथियार के बल पर समस्याओं का समाधान खोज रहे लोगों से आज इस गणतंत्र दिवस के पवित्र अवसर पर अपील करता हूं, वे वापस लौट आए, मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में अपनी और इस देश की क्षमताओं पर भरोसा रखें। हम 21वीं सदी में हैं, जो ज्ञान विज्ञान और लोकतंत्र का युग है। क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो? क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहां शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हो? हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती। दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक समाधान ढूंढकर ही हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएं, जहां शांति हर सवाल के जवाब का आधार हो, एकजुटता हर समस्या के समाधान के प्रयास में हो और भाईचारा हर विभाजन और बंटवारे की कोशिश को नाकाम करे।